अभी बनाएंगे हम भरवा भिंडी, इसके लिए ये सीम दाना 50 ग्राम के आसपास रोस्ट कर लेंगे। सीम दाना फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम चम्मच साबुत धनिया, धनिया को भी रोस्ट कर लेंगे। अभी धनिया में से खुशबू आने लगा है, तो अब इसको गैस को बंद करके एक मिक्सर के जार में निकाल के इसको दरदरा सा पीस लेंगे। और सिंग दाना धनिया पीसने के बाद आधी छोटी चम्मच डालेंगे फ्राई पैन में तेल, तेल ये गर्म हो चुका है, इस तेल में डालेंगे ये सिंग दाना और धनिया जो हमने पीसा था वो, और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तेल के साथ, इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, नमक इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये डाल लेंगे और इसको मिक्स करके फिर से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से रोस्ट कर लेंगे और इसमें डालेंगे अब ब्लेंडिंग के लिए 2 चम्मच के आसपास पानी, पानी इसलिए हमने डाला है कि ये इस तरह से मिक्स हो जाए। गैस को बंद कर लेंगे और ये एक भिंडी हमने ले लिया है, उसको दोनों तरफ से हल्का सा काट के बीच में इस तरह से चीरा लगाना है, इस तरह से बीच में चीरा लगा के, और भिंडी आप नमक में कुछ देर डाल के आधा घंटा रख दीजिएगा, इससे भिंडी सॉफ्ट हो जाएगा तो मसाले रिफिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये बीच का दाना इसका निकाल लेंगे जिससे कि इसमें मसाला डाल सकें, और ये मसाला लेके इसको इस तरह से बीच में भर लेंगे मसाला। इस तरह से हमने भिंडी 15-16 भिंडी पहले से ही स्टफ कर लिया था, और ये फ्राई पैन हमने गरम कर लिया है, और इस फ्राई पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल, 1 डाल देंगे तेल को ज़्यादा गर्म करेंगे तो भिंडी चिपकेगा, और इसके ऊपर ये भिंडी डाल देंगे हम, ये भिंडी इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से भिंडी डाल के। अब हम हल्का सा गैस को तेज कर देंगे और इसको एक साइड से कम 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे, और ये भिंडी जो फ्राई हो रहा है बीच में तेल को घुमाते रहेंगे जिससे कि हर तरफ तेल लग जाए और तेल के साथ भिंडी फ्राई हो। पाँच सात मिनट बाद भिंडी को पलट लेंगे दूसरे तरफ से फ्राई करने के लिए, इस तरफ से पलट लेंगे भिंडी को,
तरह से सारे भिंडी को पलट के 5-6 मिनट तक फिर दूसरे साइड से पकने देंगे। और ये 5-7 मिनट बाद भिंडी हमारा हरवा भिंडी तैयार है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।